तो ये तो भयंकर ही मतलब ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। ये रास्ता एक्चुअली पूरा अरावली हिल्स पे है। मेरे पीछे जो अभी देख रहे हो आप, ये छोटा सा सीन है। और हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और डेट आज 13th of July। तो दिख रहा होगा भड़कर लेक। एक्चुअली मेन लोकेशन भड़कर लेक नहीं है, यहाँ पर ऑफ रोडिंग भी है और यहाँ पर आपका ट्रैकिंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये सिद्ध महापुरुष पराशर तक की तपोभूमि है, महर्षि पराशर की तपोभूमि। सो दिस इज ऑफ रोडिंग वे टूवर्ड्स पार्थसुवन मंदिर। सो ये तो भयंकर ही मतलब ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। एक्चुअली पंकज भाई की बाइक जो है वो हिमालयन है, तो जो हिमालयन चलाते हैं उनको पता होगा कि वो ऑफ रोडिंग में कैसे चलती है, बिल्कुल मक्खन की तरह। और अभी दिख नहीं रहा हमें कि कहाँ चले गए वो आगे तक। और यहाँ पर बेचारे जिक्सर जो है वो इतनी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। ये रहा पार्सवन मंदिर, श्री पराशर धर्मशाला। हाँ एक्चुअली उनके कुंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उनका कुंड है, पार्सवन धर्मशाला महर्षि पराशर तपोभूमि। ये रास्ता एक्चुअली पूरा अरावली हिल्स पे है, बट एक बात है कि जिक्सर निकल जाती है किसी भी रास्ते से, इतनी कैपेबिलिटी है बाइक के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड विदाउट लिमिट। सो हाउ आर यू, होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो अभी बज रहे हैं 7:30 मॉर्निंग के, और अभी जो नज़ारा मैं देख सकता हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे जो अभी देख रहे हो आप, ये छोटा सा सीन है। और ये देखिए पीछे पूरी पहाड़ी है अरावली हिल्स की, और अभी चारों भैया खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपको? भावेश भैया। भाई को तो जानते हैं, पंकज भाई। पंकज ईशु पंकज। तो ये पूरा रास्ता जा रहा है नीचे, ये टेम्पल है इस साइड पे। भावेश भाई ने बताया पूरी 108 सीढ़ियां है ये, तो इतनी उतर भी गए बातों बातों पता नहीं चला, चढ़ने में पता चलेगा। ये पार्सवन टेम्पल है। ये जंगल कम टेम्पल है। तो यार मेरे पीछे जो देख रहे हो ये भी छोटा सा कुंड है, और अभी पंकज भाई बता रहे थे कि ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से निकलते हुए, ये पूरा मतलब मॉनसून सीजन में पूरा पानी वहाँ से ऊपर से बहते हुए आता है उस साइड से। पूरा जंगल का एरिया है, उस बीच में एक छोटा सा टेंपल है, पार्सवन टेंपल। मज़ेदार फील आ रही है गाइस। ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा भरा रहता था, बट अभी मॉनसून नहीं आ रहा तो सूखा पड़ा है पूरा। और हम जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, इधर हरियाली हरियाली है, और ऊपर से सूरज आ रहा है। हम थोड़ा लेट हो गए, सनराइज़ नहीं देख पाए, नहीं तो सनराइज़ देख के बहुत मज़ा आता। पीछे पीछे टेंपल है, अभी भजन चल रहे।
छोटा सा कुंड है अंदर जा रहे हैं अभी। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। तो गाइस ये लोकेशन थी, यहाँ पर हम नहाने वाले थे, बट भैया बताओ अनफॉर्चुनेटली मानसून नहीं आया तो पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है यहाँ पे, मतलब खराब हो गया यार, मूड खराब हो गया घर का। कोई बात नहीं भैया, तो भैया सैनिटाइज कर लो। सैनिटाइजेशन भी जरूरी है साथ साथ। ये जो पानी आप देख रहे हो अभी वो बिल्कुल गंदा नहीं होता कभी भी। नहीं ट्रांसपेरेंट है, नीचे का बॉटम भी दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है, सही कह रहे हो। हां वहां दिखाई दे रहा है। अपने साथ 10 पॉलिथीन और 10 प्लास्टिक बोतल लेके आए और एक पेपर बोट फ्री ले जाए। पेपर बोट ने हमें स्पॉन्सर नहीं करा है, बिल्कुल हमारी तरफ से है ये। हमारी तरफ से है ये। हां पेपर बोट ने स्पॉन्सर नहीं किया, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो हम गंदा वंदा करते रहते हैं, इसी की वजह से ये हाल है कि यहाँ पर पानी नहीं है। बिल्कुल इतना पानी रहता है कि बस मजा आ जाता है, नहाते रहो नहाते रहो। तो गाइज ये जो आपने देखा था पीछे अभी, ये महर्षि पराशर की तपोभूमि थी। और डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो भैया बताएंगे। बताओ भैया कुछ यार, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए ना तो मेरे ब्लॉग में जाना एक बार, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका। मतलब डिटेल के बाद अब मेरा मन ही नहीं करता मैं डिटेल दूं किसी को, उस दिन के बाद की डिटेल करनी है। तो अभी 108 सीढ़ियां आई है, थोड़ी सी ऊपर रहेगी। और निकल रहे हैं पंकज भाई, कह रहे राइड इज नॉट ओवर येट, तो आगे भी ऑफ रोडिंग मिलेगी। तो मिलते हैं मोटर ब्लॉग पे, स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगा है तो।